बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सादिक आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तानी इस वक्त उनसे आप सबसे मुहातिब हूँ। मैं आप सबको जगाना चाहता हूँ, आपकी नस्लों को बचाना चाहता हूँ। आप जागना नहीं चाहते, आप हकीकत को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। ये नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नस्लों का। हमने पाकिस्तान को बचाना है, खुदा के लिए पाकिस्तान के सिस्टम को बदलना है। अच्छा, मुझे ये एक मिनट के लिए बताइएगा, मुझे आपको गुस्सा लगेगा तो लगेगा, यकीन नहीं पता। मैंने तो अपने हक बात कहनी है, आप बताएं। खान साहब, आपको पता है आपने गंद खरीदा, आज से 4 साल पहले आपने गंद खरीदा, इधर उधर से इकट्ठा किया, उस गंद ने इकट्ठा गंद करके आप मुंह पे मारा, ये ले, समझ लग गई, ये था गंद। असल हीरोज आपको नहीं मिल सके, असल हीरोज को आपको छोड़ दिया। नंबर एक, मैं खुद एक नेशनल पार्टी का चेयरमैन हूँ, आम लोग पार्टी पाकिस्तान का। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, अवाम को क्यों नज़र नहीं आ रहा? इन लोगों को 22-25 करोड़ जो अवाम, इसको क्यों नज़र नहीं आ रहा? अब एक मिनट के लिए सोच लीजिएगा, आपका एक वज़ीर आज़म आ गया नया, शहबाज शरीफ आ गया, आ गया। अच्छा, कुछ सब्र करता, कुछ देर ठहर जाता, कुछ दिन कुछ महीने ठहर जाता, मगर नहीं, उन्होंने कहा हम सबसे पहले नैब ख़त्म करेंगे। भाई को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है वो भाई को बचाने आया, केस खत्म करने आया, भतीजी को बचाने आया, बेटे को बचाने आया, खुद अपना को बचाने आया, जरदारी को बचाने आया, बलावल को बचाने आया, ए बी सी जितने भी जितने भी पाकिस्तान में करप्ट थे, उसमें ब्यूरोक्रेट थे, उसमें जो भी थे, सबको बचाने के लिए उन्होंने एक बंदा के चुन लिया। ये आप जल्दी देखेंगे, आपस में हाथों हाथ पाई हो जाएंगे। ये ना, ये जो कुछ सामान इकट्ठा किया, ये भी गंद इकट्ठा किया ना, जिस तरह खान साहब, ये भी सारा एक ही सारा गंद इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान का। और अवाम भी जाग रही, पाकिस्तान के नौजवान नहीं जाग रहे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वो फिक्र नहीं है। आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, टी वी लगा के, कभी आगे भी पीछे, ये क्या रहा, हम इस गंद से दूर ही अच्छे। भाई आपको आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा अपने आगे बच्चों को बचाने के लिए, इनको जूते मार के बाहर निकालना पड़ेगा। भाई ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होते, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मुझे भी पता है, मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूँ, देनी पड़ेगी, मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ। इनको जूते मार के, गंद जिससे साफ करते हैं, साफ करके अपने असेंबली साफ करें। ये ठीक है, फरिश्ते ऊपर से नहीं आने, आप में से फरिश्ते बैठे हैं, आगे लेके आए। आपको समझ लग गई, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे सदर बना दो, कोई कहता मुझे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखला, इस पाकिस्तान का ये बेरा घर कर देगा, जो बचा हुआ था वो भी जाएगा। आप पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तानियों उठो, पाकिस्तान को। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की